हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 सैंपल पेपर 2022 का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है मेरा। स्टेटमेंट ए असर्शन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर डी 3.5 एंड ई -3.-3 रिस्पेक्टिवली, देन बी सी बराबर 20 यूनिट्स। बोल रहा है एसर्शन है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ए एसर्शन बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट होता है ट्रायंगल एबीसी का, एबी और एसी का एक मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इतना है डी और ई। यहाँ देखिए ट्रायंगल एबीसी, इसके एबी साइड और एसी साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देन पूछ रहा है BC बराबर 20 यूनिट्स होगा क्या? BC बराबर 20 यूनिट्स होगा, ये सही है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे और जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होता है उसका दुगना डिस्टेंस यहाँ ये वाला होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा है ये -3 और फिर -x1 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -3 - 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 रूट अंडर 100 और ये 10 यूनिट हो गया। और ये जो मिड पॉइंट होता है ना, ये इसके थर्ड साइड के पैरेलल होता है और इसका हाफ होता है। तो यानी ये 10 यूनिट है तो ये 20 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ये सही है। स्टेटमेंट जो दिया हुआ है एसर्शन ए, ये सही है। अब रीज़न देखेंगे। रीज़न है मेरा द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड का मिड पॉइंट जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अभी बताएं कि ये इसके थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, इसके आधा होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो एसर्शन है इसी रीजन के कारण सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन।